अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं मारूफ़ा नवाज़ अहमद खैर मकदम करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं आई हुई हूँ अजमेर और आज जुमा मुबारक का मौका है और मैं आप लोगों को लेकर आ गई हूँ अजमेर शरीफ के दरगाह। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और ज़ियारत करते हैं, उससे पहले बाहर आपको पूरा नज़ारा दिखा दें। मेरे प्यारे नाज़रीन, ये जो दरवाज़ा आप लोग देख रहे हो इसे बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। अजमेर शरीफ का मेन गेट है ये और जुमा का दिन है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ होकर है। बहुत दूर दराज से नाज़रीन जो है ना हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़ियारत की चाहत लेकर दौड़े चले आए हैं। भाई ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार शरीफ जब आप जाने के लिए निकलते हो ना तो आपको दोनों साइड में बाज़ार का पूरा एरिया देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े और अच्छे अच्छे दुकान ऐसे भी मिलेंगे आपको देखने के लिए, जहां पर से आप चादर फूल अगरबत्ती जो कुछ भी हदिया करना चाहते हो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के मज़ार शरीफ में नजराना के तौर पर पेश करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्लस अगर आप कोई सौगात लेकर जाना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। मैंने अलग से अजमेर मार्केट के ऊपर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाकर वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। भाई फ्रेंड्स, अभी मेन गेट से हम लोगों ने एंट्री ही लिया था कि मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखती क्या हूँ कि भाई इस कदर भीड़ है कि सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहा है, मानो ईद हो या फिर अलविदा जुमा हो। आज नॉर्मल जुमे का रोज़ इतना ज़्यादा भीड़ आप लोग देख ले हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार के मज़ार शरीफ में, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि उर्स मुबारक का मौके पर क्या हाल होता होगा। यहाँ पर आप लोग देख लें कितना ज़्यादा भीड़, चलिए भीड़ दिखा दी, अब चलिए ज़रा अंदर की तरफ चलते हैं। भाई फ्रेंड्स, मैं वीडियो ऐसा बनाकर आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को घर बैठे बैठे लगे कि आप लोग भी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के मज़ार शरीफ की ज़्यारत कर रहे हैं। ऊपर की तरफ देख लें, ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत झूमर, और देखिए अंदर मैं जा रही हूँ अभी आप लोगों को लेकर। बाहर के मुकाबले अंदर थोड़ा कम भीड़ है, लेकिन अभी अंदर लेकर जाऊंगी ना तो आप लोगों को दिखेगा कि कितना ज़्यादा भीड़ है। बुलंद इमारत देख लें, यहाँ इस तरफ अकबरी मस्जिद का एरिया है पूरा, और सामने से आप लोग अंदर जाओगे तो हज़रत बाबा के मज़ार शरीफ के सामने जा रहे हो आप लोग। मेरे प्यारे नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेज़बान मारूफ़ा हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहती है। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना अच्छे लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ, ये बड़ी डेग है और यहाँ पे छोटी डेग, ये देखिए। चलिए मज़ार शरीफ के अंदर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ फ्रेंड्स सिर्फ जुमे के वजह से। ख्वाजा गरीब नवाज़ के दीवाने दुनिया भर के कोने कोने से चले आते हैं इनकी मोहब्बत में। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आप लोग हाजी वारिस पाक के मज़ार शरीफ के वीडियो को देखना चाहते हो तो मैंने उसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वाले वीडियो का भी लिंक दे दूंगी, आप लोग जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि कौन से होटल में जाकर ठहरना अच्छा होगा, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाना अच्छा होगा। ऐसे ट्रैवलिंग रिलेटेड ब्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखें सामने वज़ू खाना बना है और ये एंट्रांस गेट है। भाई मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आप लोगों को मज़ार शरीफ के अंदर ज़रूर लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले रास्ते में मुझे ये खानकाह शरीफ मिल गया है जो ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार शरीफ के हाथे में ही आता है। तो मैंने पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों को ये नहीं दिखाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी आप लोगों को ये वाले व्लॉग में ये वाला जगह दिखा दूँ। तो भाई आप लोग देख लें, यहाँ पर औरतें और जेंट्स दोनों ही अलाउ है बैठने के लिए। अगर जगह नहीं मिलता है आप लोगों को बाई चांस ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार शरीफ के हाथे में, तो आप लोग यहाँ पर आकर बैठ सकते हो। तिलावत कुरान करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अगर नमाज़ पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, आप लोग देख ले बहुत अच्छे से। मेरे प्यारे नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज़ का दर एक ऐसा दर है हमारे हिंदुस्तान में जहां हर मज़हब के लोग अपने अकीदत के साथ हाजिरी देते हैं।
जिनमें अच्छे और बुरे दोनों ही शामिल होते हैं, क्योंकि भाई ये ख्वाजा की नगरी है और ख्वाजा का दर हर किसी के लिए खुला है। भाई यहाँ मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, तो चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यही वो इमारत है जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रही थी, अंदर की तरफ इसी का ले जाकर मैंने आप लोगों को दिखाया है। भाई ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हो ना, ये किसी पेंटर ने अपने अकीदत को जाहिर करते हुए पेश किया है ख्वाजा बाबा के मज़ार शरीफ में। भाई फ्रेंड्स, अब यहाँ वहाँ तो मैंने आप लोगों को बहुत ही दिखा दिया है ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार शरीफ की वो सारी जगह जो जो मैं आप लोगों को अपने लास्ट वाले ब्लॉग में नहीं दिखा पाई थी। तो अब चलिए ज़रा अंदर की तरफ चलते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार शरीफ की ज़्यारत अपनी आँखों से करते हैं। लेकिन हाँ, अंदर का वीडियो बनाना अलाउ नहीं है फ्रेंड्स, मज़ार के बिल्कुल अंदर का, तो आई एम सॉरी फॉर देट। बाहर से दिखाती हूँ आप लोगों को मज़ार, आइए। तो भाई फ्रेंड्स, आप लोग मेरे सामने देख सकते हो वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ का मज़ार शरीफ। बच्चे आज बहुत ही ज़्यादा हरा रहे हैं, ये देखिए सुने, मैं आप लोगों को भीड़ दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा भीड़। मैं इस वक्त खड़ी हूँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के मज़ार शरीफ में और मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, गुम्बद के इर्द गिर्द तवाफ करती हुई चिड़िया, देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत। और भाई मेरे ख्वाजा बाबा, ये देखिए, और ये 11वीं शरीफ का चांद, ये ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार शरीफ। तब भी बैठी है, फिर आओगी जब बाबा का बुलावा होगा, फिर आओगी ना इंशाअल्लाह। भाई मेरे प्यारे नाजरीन, ये जो मज़ार मुबारक आप लोग देख रहे हो, ये भी ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार शरीफ के अंदर खाते में ही है और ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के जौज़ा साहिबा का है रोज़ा मुबारक। मैं आप लोगों को यहाँ भी ज़्यारत करवा रही हूँ, आप लोग देख लें सुभान अल्लाह। भाई जो कुछ भी मुझसे पिछले वाले वीडियो में छूट गया था वो सारी चीज़ों को मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को इस वाले वीडियो में दिखा दूँ। मेरे प्यारे नाजरीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज जुमे का रोज़ है और नाजरीन काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की ज़्यारत के लिए, ख्वाजा बाबा की ज़्यारत के लिए। और लाइन देख ले मज़ार शरीफ के अंदर जाने के लिए, कितना ज़्यादा बड़ा लाइन। किसी को चादर चढ़ाना है, किसी को मन्नतें मनानी है, किसी को मुरादें मांगनी है, ये देखें रो कर गिड़गिड़ा कर लोग जो है वो दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि आप औलियाए हिंद हैं, वली अल्लाह है, अल्लाह के सच्चे वली हैं। अगर आप बारगाह खुदा में एक बार हाथ उठा दें तो भाई बेड़ा पार हो जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, भाई मैं अपने आप को बहुत बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने इस बंदी को इस काबिल समझा कि अपने तमाम वली अल्लाह के मज़ार शरीफ की ज़्यारत जो है वो मुझे धीमे धीमे करके नसीब अता फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप लोगों को शहनशाह अहमदाबाद के मज़ार शरीफ का वीडियो देखना है तो मैं उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मेरे प्यारे नाजरीन, ये देखें ख्वाजा के दीवाने चले ख्वाजा गरीब नवाज़ के लिए चादर लेकर मज़ार के अंदर, और कवाली की महफिल भी जो है ना वो सज चुकी है। दूर दराज से नाजरीन जो है आए हुए हैं हज़रत के मज़ार शरीफ पर
भाई ऐसा कोई मौका नहीं है जो हजरत के मज़ार आपको खाली मिलेगा। आप जब भी आओगे तो आपको भीड़ मिलेगा। और भाई ये तो सीज़न का टाइम है, दिवाली और उसके ऊपर से छठी शरीफ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे होटल के रेंट के बारे में जानना चाहते थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटली डिपेंड अप टू सीज़न, ठीक है। अगर आप छठी शरीफ या उर्स के मौके पर आते हो तो रेंज काफ़ी हाई होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है सबको, और अपने अपने पर्स एंड मोबाइल का खुद ख्याल रखने के लिए कहा भी जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कवाली का महल, ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ का जो रौनक लगा है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में छोटा सा बेल आइकन होता है कोने में फ्रेंड्स, उसको हिट कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों से एक दूसरे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।